हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्ज़ाम जो कि कब हुआ था, 26 जैन 2003 को। ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है और इसमें हम क्या है जीएस पोर्शन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा बीपीएस, बिट्स पर सेकंड। यहाँ पर कुल्लू घाटी को किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर बी, देवताओं की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा बाहुबली। इसका ये कहाँ पर है, ये जो बैम्बू क्रैश बैरियर है ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने किसके साथ मिलकर MAI मिशन लॉन्च किया है। ये इसने जो रूस ने यहाँ पर इटली की जो स्पेस एजेंसी है उसके साथ मिलकर इटालियन स्पेस एजेंसी के साथ ये मिशन स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, यहाँ पर बनावली सिंधु घाटी सभ्यता ये कहाँ पर है, किस जगह पर है, इसका करेक्ट आंसर होगा बनावली, ये हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस। देखिए इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप, एड्स दिवस को ही करेक्ट आंसर मान सकते हो लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। जो विश्व एड्स टीकाकरण दिवस है वो मनाया जाता है 18 मई को, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 18 मई। नेक्स्ट, यहाँ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ये ओजोन लेयर डेप्लीशन से, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यहाँ पर दृष्टि दोष नहीं है इनमें से कौन सा, तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रेस बायोपिया, मायोपिया, हाइपर, ये तीनों क्या हैं, ये दृष्टि दोष है, ये मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, और ये बुढ़ापे में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है परसिस्टेंस ऑफ विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर IARI से रिलेटेड, ये निम्नलिखित में से किस शहर में पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया गया, इसका करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड है, मधुबनी पेंटिंग बिहार की पेंटिंग है। नेक्स्ट, 111वां यहाँ पर दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय और एशियाई कप्तान है अभिलाष टॉमी, इसका करेक्ट आंसर है। 112वां क्वेश्चन, यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य ने भिखारी मुक्त शहर योजना स्टार्ट किया, किस शहर में स्टार्ट किए, नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपोक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक के लेखक हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा सज्जन सिंह यादव। नेक्स्ट है, मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था, देखिए तैयार किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लेकिन हस्तलिखित पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, ये सत्यभामा दास बीजू को, करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मुद्दों से संबंधित मामलों से शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, NGT, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नेक्स्ट, ये इकत से रिलेटेड है, इकत इनमें से दक्षिण भारत के निम्नलिखित में किस गांव का बुनाई पैटर्न है, तो जिसे क्या है UNWTO के द्वारा क्या है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया, पोचमपल्ली करेक्ट आंसर होगा, और पोचमपल्ली साड़ी भी फेमस है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अनुचित नहीं है, जो खजुराहो के मंदिर है वो चोल राजवंश ने ना बनाकर किसने, चंदेल शासकों ने बनाया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये करेक्ट आंसर है इसका दामोदर नदी, कोसी ये बिहार का शोक बोला जाता है। 120वां यहाँ पर मौलिक फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट्स आर आवर नेचुरल राइट्स एंड ट्रांसफरेबल राइट, इसमें से कौन सा करेक्ट है, ट्रू है ऑप्शन डी, फंडामेंटल राइट कैन ओनली बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। सूरसेन किस महाजनपद की राजधानी थी, तो करेक्ट आंसर है इसका, इसकी राजधानी मथुरा थी सूरसेन की, और ये श्री भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में हेनरी गोगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई थी, इसका करेक्ट आंसर होगा कलकत्ता, और हालांकि ये फेलियर हो गई थी।
नेक्स्ट भूकंपरोधी निर्माण धज्जी देवरी प्रणाली, ये जम्मू कश्मीर में स्थापित की गई है। दीनदयाल बंदरगाह के नाम से किसको जाना जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा कांडला, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की गई थी, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थाओं को किस दर में परिवर्तन का निर्देश दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाइबोर। लाइबोर की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियां बनाते सब ध्यान में रखना चाहिए, डीपीएसपी है इसका करेक्ट आंसर, राज्य नीति के निदेशक तत्व। सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, वुड अल्कोहल के रूप में किसे जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर है CH3OH मेथनॉल। SHG BLP स्वयं सहायक, ये SHG ग्रुप होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड पायलट परियोजना को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ई शक्ति, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है, अजरबैजान और ताजिकिस्तान को, करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रीजन ऑफ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया अंडर RCS स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर डोनी पोलो एयरपोर्ट चुना गया है, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। दुनिया का सबसे, यहाँ दुनिया का पूछा है, लवणीय जल निकाय है ग्रेट साल्ट लेक, अगर यहाँ ऑप्शन में लेक वैन पूछा जाए, लेक वैन भी होता तो वो करेक्ट आंसर होता, ये कहाँ पर है, टर्की में। नेक्स्ट द भारत कला भवन इज अ यूनिवर्सिटी म्यूजियम सिचुएटेड एट डैश इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ये कहाँ पर है, वाराणसी में है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है तोलकप्पियम, ऑप्शन सी, जिस जो कि किसने लिखी थी, ये तोलकप्पियार ने लिखी गई थी। वन वीक वन लैब थीम आधारित अभियान निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा CSIR, ये CSIR इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। कोडवा हॉकी, ये कोडवा हॉकी फेस्टिवल वॉज हेल्ड एट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट, कहाँ पर है कोडवा, ये कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटका में, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज आर्टिकल 21। 139 फाइंड द जोवियन प्लैनेट अमंग द फॉलोइंग, यहाँ पर जोवी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मरकरी वीनस अर्थ मार्स, चार होते हैं टेरेस्ट्रियल, देन चार होते हैं जोवियन प्लैनेट, मरकरी वीनस अर्थ मार्स, जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून, तो जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून जो इसमें से है लगा दीजिए आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में CE20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसरो के द्वारा यह किया गया है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एंटासिड टूथपेस्ट में हल्का अपग्रस्त, और यहाँ पर आ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ च्युइंगम एंड ऑफ फिलरिन कॉस्मेटिक्स, तो इनमें से क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इज द करेक्ट आंसर। मटकी किस राज्य का लोक या लोक नृत्य है, तो ये है मध्य प्रदेश का, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। हाल ही में महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया है, अब औरंगाबाद का नया नाम क्या है, तो संभाजी नगर इज द करेक्ट आंसर। अगर ओस्मानाबाद पूछा जाता तो ओस्मानाबाद का क्या हो जाता, धारा शिव, ये ओस्मानाबाद का नया नाम है धारा शिव। नेक्स्ट विच वन अमंग द फॉलोइंग म्यूजियम शोकेसेस लाइफ ऑफ तमिल्स ड्यूरिंग संगमेज,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है द किलाड़ी म्यूजियम। नेक्स्ट 145 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज्ड एथिकल गाइडलाइन फॉर एआई इन हेल्थ केयर एंड बायोमेडिकल रिसर्च। तो बायोमेडिकल से रिलेटेड है, आईसीएमआर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द वीओसी इन इंडिया वॉज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये वीओसी वीरनीज ऑस्टिन डिसे कंपेनियन ये किसके द्वारा चलाया गया था, फॉर्म किया गया था? तो करेक्ट आंसर है इसका डच, ये डच के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट इंडियन आर्मी कंडक्टेड फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज जल राहत चलाया गया था, तो ये कहां पर, किस नदी पर चलाया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मानस नदी पर। सिल्वी कल्चर से आप क्या समझते हैं? सिल्वी कल्चर इनमें से आएगा वन की खेती का विज्ञान है ये, इट इज़ अ साइंस ऑफ फॉरेस्ट। अगर मछली पकड़ने की आती तो पिस्की कल्चर हो जाता, पिस्की कल्चर। कीटों को उगाने की आती तो यहाँ पर सेरी कल्चर। एंड नेक्स्ट वन इज भेड़ों को पालने वाला होता विटी कल्चर, विटी कल्चर। तो करेक्ट आंसर है ये वन खेती का विज्ञान है, सिल्वी कल्चर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? देखिए इस क्वेश्चन में डाउट है, अगर फारूक सियार आता तो फारूक सियार करेक्ट आंसर होता, इसमें डाउट है तो ये क्वेश्चन को होल्ड कर सकते हैं, जब करेक्ट आंसर की आएगी वहां देख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो समृद्ध जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनाई मुड़ी। तो यहाँ पर हमने जीएस पोर्शन सोल्व करा है 26 जून 2003 को जो इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।